इंदौर में रविवार यानी 19 फरवरी की दोपहर को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 थी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इसका केंद्र इंदौर से 150 किलोमीटर दूर धार जिले में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर था। भूकंप के झटके दोपहर 12:54 पर महसूस किए गए थे। इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस होने की सूचना है। गुजरात में हुए मोरबी हादसे में सरकार द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल यानी SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मोरबी पुल गिरने से पहले ही टूट चुके थे 49 में से 22 केबल। SIT की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ओरेवा कंपनी और मोरबी नगर पालिका के बीच समझौते के लिए जनरल बोर्ड की पूर्व अनुमति जरूरी थी। समझौते में ओरेवा कंपनी, मुख्य अधिकारी नगर पालिका, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ही हस्ताक्षर थे। SIT ने कहा कि जनरल बोर्ड की पूर्व सहमति भी नहीं मांगी गई और समझौते के बाद हुई जनरल बोर्ड की बैठक में भी सहमति का मुद्दा नहीं उठाया गया। रिपोर्ट का कहना था कि मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को सामान्य बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना समझौता नहीं करना चाहिए था। SIT की रिपोर्ट में और भी कई चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। AMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जुनैद और नासिर को मार दिया गया। उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर भी हमला करते हुए कहा, जब मैं इतनी दूर से भरतपुर गया, जब मैं जा सकता हूं तो वो क्यों नहीं जा सकते। जयपुर से पायलट और गहलोत नहीं जा सकते नासिर और जुनैद के घर। जानते हैं कि मुसलमान भाइयों से मिलने जाने पर हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। सचिन साहब क्यों डरते हैं? क्यों नासिर और जुनैद का नाम लेने से डरते हैं? कल जुनैद के घर गया था, 13 बच्चे अनाथ हो गए। ये गांधी का मुल्क है तो इंसानियत कहां गई? 15 लाख का ऐलान किया जा रहा है, क्या जान की कीमत 15 लाख है? झारखंड के पलामू में बुधवार यानी 15 फरवरी को दो समुदायों में हुई झड़प के बाद गृह विभाग के आदेश पर पूरे जिले की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, जिसके 4 दिन बाद यानी आज 19 फरवरी को सुबह 10 बजे से इंटरनेट सेवा को बहाल किया गया है। बता दें कि डिजिटल सेवाएं पूरी तरह से बाधित थी। बाकी इलाके में धारा 144 अभी भी जारी है। प्रशासन के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। रूस के साथ भारत का व्यापार 4 गुना बढ़ गया है। पिछले साल भारत ने रूस से $7.7 अरब का सामान मंगाया था। युद्ध के बाद एक साल में भारत ने $37 अरब का आयात किया है, जिसमें सबसे अधिक हिस्सा सस्ता रूसी तेल है। पंजाब के गुरदासपुर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की 113 बटालियन ने धनिया के पोस्ट में आज एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन गिरने वाली जगह पर BSF की ओर से तलाशी अभियान जारी है। इसके साथ ही बड़ा कंसाइनमेंट मिलने की संभावना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर CBI का नोटिस मिलने पर हमला बोला है और कहा है कि शुक्रवार यानी 17 फरवरी की शाम को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और तभी BJP एक्सपोज हो जाती है। ये शनिवार यानी 18 फरवरी को मुझे समन भेजते हैं और कहते हैं कि 19 फरवरी को आ जाओ, बदला लेना आपकी आदत है। दिल्ली का काम रोक कर आप मुझसे बदला लेना चाहते हो, ये गलत है। इससे दिल्ली के लोग परेशान होंगे। मुझे पूरी आशंका थी कि मुझे ये गिरफ्तार करेंगे, इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं दिल्ली का बजट कर लूं, उसके बाद मुझे अरेस्ट करना। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से सभी नेताओं ने अपना पोस्टर हटा लिया है। इसका कारण सपा प्रमुख अखिलेश यादव का विवादित बयानबाजी और धार्मिक मुद्दों पर अपने नेताओं के खिलाफ सख्त रवैया माना जा रहा है। दरअसल जब रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया, उसके बाद लखनऊ स्थित सपा कार्यालय के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लगाए गए। फिर अखिलेश यादव ने शूद्र वाला बयान दिया। इसके बाद फिर सपा कार्यालय के बाहर कई नेताओं ने अपने पोस्टर लगाए और नाम के आगे शूद्र लगा दिया। लेकिन अब बीते दिनों में अखिलेश यादव ने इन विवादों पर सख्त रवैया दिखाया है। उन्होंने पहले दो नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसके बाद एक पत्र जारी कर कार्यकर्ताओं और नेताओं को धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी नहीं करने और इससे दूर रहने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में उनकी सरकार द्वारा लाए गए सख्त नकल विरोधी कानून की सराहना की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून बना दिया है, जिसके बाद अब पेपर लीक नकल पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि अब दूसरे राज्य भी ये कानून ला रहे हैं, आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम निरंतर समीक्षा कर रहे हैं, राज्य में जितनी भी भर्तियां होनी है सभी समय पर पारदर्शिता से होंगी।
अक्सर विवादित बयानबाजी करने वाले मौलाना रशीदी ने सरकार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो पहले संसद में ड्राफ्ट तो लाइए। यूसीसी से मुसलमान डर थोड़ी रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा महिलाओं पर लगातार अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में खबर है कि देश के दो प्रांतों में तालिबान ने गर्भ निरोधकों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सभी दवाई दुकानदारों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तालिबान द्वारा इसे एक पश्चिमी देशों की साजिश बताया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार एक बिगड़ते आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन इस बीच महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है और जनता पर बोझ डालती जा रही है। शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का वार्षिक इन्फ्लेशन 38.42% के नए रिकॉर्ड पर पहुँच गया है। आवश्यक चीजों के दाम में बढ़ोतरी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर हमला बोला। शिवराज ने कहा, भाइयों हम भी बुलडोजर चलाते हैं लेकिन गुंडों के घर पर, लेकिन कमलनाथ ने तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बुलडोजर से हटवाई। उन्होंने आगे कहा कि वो जो हमारे आदर्श हैं उनकी प्रतिमा पर बुलडोजर चलवा दिए। उन्होंने मुगलों को खदेड़ा, धर्मांतरण का कुछ चक्र चल रहा था तब शिवाजी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सिर्फ किलों को नहीं बल्कि दिलों को भी जीता। हमें सिर्फ एक खानदान के बारे में पढ़ाया गया लेकिन उन तमाम लोगों को भूल गए जिन्होंने आजादी में अहम भूमिका निभाई। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर सपा नेता फहद अहमद के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। तो वहीं दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने स्वरा भास्कर की शादी को नाजायज करार दिया है। इस संबंध में बरेली दरगाह आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि पहले स्वरा भास्कर इस्लाम कबूल करे तभी निकाह जायज होगा। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने तीसरे ही दिन कंगारुओं को मात दी और 115 रन का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 4 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली।